क्योंकि राजीव भाई जैसा व्यक्ति सदियों में कोई एक पैदा होता है जिसमें इतनी महान प्रतिभा हो। वर्तमान सदी ही नहीं, ज्ञात इतिहास में शायद इतना ज्यादा मेधावी व्यक्ति शायद ही कोई होगा। और ये इसलिए नहीं कि हम उनसे प्रेम करते हैं इसलिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये एक वास्तविकता है। जितना ऊंचा ज्ञान राजीव भाई का था उतने ही वो बेमिसाल वक्ता भी थे, और केवल वक्ता ही नहीं थे, जो कहते थे वो जीते भी थे। पहले तो वक्ता होना ही बहुत बड़ी बात है, बोलने वाला व्यक्ति जैसे बोलता है वैसे जीने लग जाए तब वो मात्र एक वक्ता नहीं होता, वह एक महापुरुष हो जाता है। पूज्य माताजी और पूज्य पिताश्री के चरणों में प्रणाम करता हूं जिन्होंने राजीव भाई जैसा हीरा इस देश को दिया, कोहिनूर की चमक। आप सब भाइयों को पता है जिस समय मैं उनको यहां पर लेकर के आया था उस समय उनके चरित्र हनन के पूरे षड्यंत्र किए जा रहे थे, उनको लटवरलाल बताया जाता था, एक पूरा समूह था जो उनको बदनाम करने में लगा था। मैंने कहा भाई राजीव जी को लेकर के किसी का भी प्रश्न है तो मेरे सामने करें। मुझे बदनाम किया जाता था स्वर्गीय राजीव भाई के कारण से, उनके ऊपर दोष लगाए जाते थे, कोई दोष नहीं मिला तो बोले इनको जो दान मिला उन्होंने उपयोग नहीं किया सही उसका, उनके पास जितना भी दान मिला उन्होंने उस दान का कोई दुरुपयोग नहीं किया। मैंने सारे पेपर एविडेंस आपके सामने रखे, यही दिल्ली में इसी क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने सबके बीच में राजीव भाई को बैठाया था। और अपने संगठन में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जिसने जीवन भर स्वदेशी को जिया, और हम क्योंकि संगठन में जाति को प्राधान्यता नहीं देते, और हमने इसलिए पहले इस राजीव भवन ही इसका नाम रखा था, लेकिन बहुत से लोग जिनमें बहुत ज़्यादा अभी भी जाति के आग्रह बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं वो उनसे मुक्त नहीं हो पाते हैं, उन्होंने हमको हजारों पत्र लिखे कि दीक्षित लिखो दीक्षित लिखो, तो हमने जो है राजीव दीक्षित भवन लिख दिया। यद्यपि कुछ लोगों ने राजीव भाई को लेकर के भी एक बहुत बड़ी जो है दुकानदारी खड़ी कर ली है, जो है वो किसी की बपोती नहीं होता है। हम भी राजीव भाई का हमने कोई पेटेंट नहीं करवा रखा है, हम कहते हैं जो भी स्वदेशी से प्यार करता है वो उनके विचारों से प्यार करे, लेकिन कुछ लोगों ने राजीव भाई का व्यवसायीकरण किया हुआ है, हम उस व्यवसायीकरण के पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करना चाहता हूँ जो स्वर्गीय राजीव भाई का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, पहले भी उनकी कैसेटों के नाम पर व्यापार हुआ और उनका बहुत अनादर तिरस्कार हुआ, जब हमारे पास में आए थे उस समय रोते बिलखते मेरे पास राजीव भाई आए कि स्वामी जी जो है इन कैसेटों ने और इस साहित्य ने मेरा जीना दुभर कर दिया है, मेरी जान पर आफत बनाई है। कि एक बहुत बड़ा समूह था, करीब उसका नेतृत्व करने वाले कुछ लोग थे, वो हर दिन किसी दिन 500 किसी दिन 1000 ईमेल भेजते थे स्वर्गीय राजीव भाई के बारे में और बहुत दुष्प्रचार करते थे। फिर अंततः राजीव भाई ने वह अपनी जो भी उनके पास में जो कुछ अर्जित था, एक भूमि थी वर्धा में, वो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को दान दी मैंने। तो इस देश में ऐसा कई बार होता है कि किसी की मृत्यु हो जाए सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की, और वह भी जो कुछ मामलों में बड़ा प्रखर हो, तो लगता है किसी ने विश्व नहीं दे दिया। तो राजीव भाई कार्यकर्ताओं के घर में ठहरते थे, एक दिन भी वो कभी होटल में नहीं ठहरे, किसी पराए आदमी के हाथ से खाना नहीं खाया, तो विष कौन दे देगा भाई? ऐसे ही विष दे तो हम तो कभी तो 100 बार मर चुके होते। यद्यपि उनका परिवार से कोई विशेष संबंध नहीं था, लेकिन ये पता नहीं कैसा दुनिया का एक वो है माहौल है, जब कोई बहुत अच्छी या कोई बहुत बुरी घटना हो जाती है तो घर वाले भी आ जाते हैं, लेकिन अफवाहों का भी सबसे बड़ा अड्डा वो जो है सोशल मीडिया ही हो जाता है। तो कुछ
दो चार पांच लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, इसलिए आज ये थोड़ा सा विषय रखा। अच्छा, बोलने में कभी कभी अतिशयोक्ति कर देते थे, कभी कभी किसी चीज को ज्यादा महिमा मंडित करने के लिए हमारे यहां पर अतिवाद एक शब्द प्रयोग होता है संस्कृत में, तो मैंने एक ही बात कही, राजीव भाई आप अतिवाद मत करना, बस बातों को तथ्यों को 100% सही रखना, क्योंकि आस्था के मंच के ऊपर हमने उनको बैठाया है।